विशेष धम्म देशना आज दिनांक 18 जुलाई 2020 हम पाली त्रिपिटक से जहां तथागत बुद्ध की ओरिजिनल वाणी संग्रहित है उस पाली त्रिपिटक में से अंगुत्तर निकाय ग्रंथ पर उसके कुछ सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। अंगुत्तर निकाय ये त्रिपिटक का बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्म लोको हन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोगों को हमेशा सुख शांति मिलती रहे, यही तथागत भगवान बुद्ध की महान करुणा थी। और उसी दृष्टि से तथागत बुद्ध ने लोगों के हित सुख और कल्याण के लिए, बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए ही बुद्ध की धम्म देशना है। यहां पर इस अंगुत्तर निकाय में वो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर से बड़े महत्वपूर्ण बातों को तथागत बुद्ध बताते हैं। ध्यान भावना के बारे में बुद्ध ने बताया, संक्षिप्त में हम बताएंगे, बाद में डिटेल भी बताएंगे। तो चार प्रकार की पश्यना होती, विपश्यना होती है, ध्यान भावना होती है। एक है काय कायानुपश्यना, यानी शरीर के प्रति जागृत रह के विपश्यना करना। दूसरी वेदनासु वेदनानुपश्यना, यानी शरीर में भीतर जागने वाली वेदनाओं के प्रति, संवेदनाओं के प्रति जागृत रहकर ध्यान भावना करना। तीसरी है चित्तानुपश्यना, यानी अपने चित्त के ही प्रति सजग रहकर जागृत रहकर विपश्यना करना, अपने चित्त का अनुभव करना, जानना। और चौथी है धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। धम्म यानी जो नेचुरल फिनोमिना, इस प्रकार चित्त के जो भाव होते हैं, नाना प्रकार के भाव चित्त में उभरते रहते हैं, तो ऐसे जो नेचुरल फिनोमेना उसके प्रति धम्मानुपश्यना करना, नैसर्गिक लॉ जिसे कहते हैं। फिर बुद्ध ने इंद्रियों के बारे में बताया, नंबर 5 है इंद्रिय के बारे में, सद्धि इंद्रिय यानी श्रद्धा इंद्रिय। ये श्रद्धा वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन मन का एक बड़ा अच्छा वो एक अंग है, तो श्रद्धा हमेशा डेवलप करना चाहिए, श्रद्धावान बनना चाहिए, श्रद्धा की भावना करनी चाहिए। फिर से वीर्य इंद्रिय, वीर्य यानी उत्साह, काम करने का जोश और तत्परता, आरब्ध वीर्य जिसे कहते हैं कि बड़े दृढ़ निश्चय से किसी काम को करना, तो इस वीर्य इंद्रियों को हमें बढ़ाना होता है, एक मन का एक अंग है। फिर है सती इंद्रिय सातवा, सती यानी सजगता, जागरूक भाव, अवेयरनेस, अलर्टनेस, तो अपने शरीर के प्रति वो जागरूक भाव बढ़ाना, हमेशा सती संप्रजन्य को बढ़ाना, इसे कहते हैं सती। फिर है आठवा है समाधि इंद्रिय, समाधि का मतलब अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को जानना समझना, उसे उस पर संयम मिलाने का प्रयास करना,
इसे कहते हैं समाधि इंद्रिय। फिर है पंया इंद्रिय, पंया यानी नॉलेज डेवलपमेंट, भीतर का ज्ञान, भीतरी ज्ञान वो जगता रहे, उसे बार 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 डेवलप करने का प्रयास करना, ऐसे इसे कहते पंया इंद्रिय। फिर उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ बातों का स्मरण करना चाहिए। सती यानी बुद्धानु सती भावेति, बुद्ध का स्मरण, बुद्ध ज्ञान का स्मरण करो, यह है नंबर 10। नंबर 11 धम्मानुसति, यानी धम्म का, सद्धम्म का स्मरण करो। सद्धम्म है स्वाखात भगवता धम्मो संदिट्ठिको, इस प्रकार सद्धम्म की गुण, उसका स्मरण हमेशा करो, उसकी भावना करो। 12 है संघानुसति, यानी भिक्खु संघ जो है, भिक्खु संघ के ज्ञान का, गुणों का, उनका स्मरण करो। ये त्रिशरण जिसे कहते हैं बुद्ध धम्म और संघ, तो तीनों के स्मरण करने की और उनके भावना करने की बात तथागत बुद्ध ने सिखाई है। फिर नंबर 13 है शीलानुसति, अपने शील का स्मरण करो, अच्छे शील से चलते रहो, अपना आचरण अच्छा बनाए रखो और बार बार उन शीलों का, अपने ही सद्गुणों का स्मरण करो, तो उसकी भावना करते रहो। फिर 14 है चागानुसति, चाग यानी त्याग, दान देना, सेवा करना, सैक्रिफाइस करना, तो ये भी अपने ही स्वयं के हाथों से मैं जो दान देता हूं, जो सैक्रिफाइस करता हूं, उनका बार बार स्मरण करना चाहिए, दान देना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए और बार बार उसका स्मरण भी करना चाहिए कि और भी अधिक से अधिक देने की क्षमता मुझ में आए, अधिक से अधिक मैं देता रहूं, तो ये हमारे कल्याण के लिए होता है। फिर नंबर 15 है देवतानु सती भावेति, उस दिन मैंने बताया कि तथागत भगवान बुद्ध ने कैसे देवताओं का स्मरण करने के लिए महानाम को बताया था, तो जो देवता उनका भी स्मरण करना चाहिए, जैसे कि तुसी देवता है, यामा देवा है, फिर ब्रह्मकाई का देवा है, चातुर महाराज जी का देवा है, तो इस प्रकार से ये देवतानुसति उनका भी स्मरण करे, वो भी तथागत बुद्ध ने सिखाया है। फिर नंबर 16 है आनापान सती भावेति, आनापान सती का अभ्यास करते रहो, अपने सांस को देखना, सांस के आने जाने को देखना और उसके प्रति सजग रहना, भावना करना, बड़ा कल्याणकारी होता है, मन बड़ा सबल बनता है उससे और निर्मल बनता है। फिर नंबर 17 है मरण सती भावेति, यानी अपनी मृत्यु को जीतने के लिए मृत्यु का भी स्मरण करना चाहिए कि एक दिन मेरी भी मृत्यु होने वाली है, मैं भी कोई बहुत लंबे लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहने वाला हूं, एक दिन मुझे भी जाना है, ये बात अपने मन में रखकर बार 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 उसका भी स्मरण करना चाहिए, जिससे कि मन निर्मल होता है, मन विकार से मुक्त होने लगता है। तो मरणानुसती भावेति, ये नंबर 17 में तथागत बुद्ध ने सिखाया। नंबर 18 है काया गतानुसती भावेति, यानी अपने काया के प्रति, शरीर के प्रति जागरूक रहकर उसकी ध्यान भावना करना, उसे कहते हैं कायानुसति, अपने ही शरीर के प्रति जागृत भाव। फिर नंबर 19 है उपशमनानुसति भावेति, इनके प्रति लगाव चिपकाव ना रखे, डिटैचमेंट की भावना निर्माण होने दे, इस प्रकार का अभ्यास भी करते रहना। ये तथागत बुद्ध भिक्षुओं को सिखाते हैं, भिक्षु संघ को उन्होंने बुलाया और भिक्षुओं को सिखाने लगे।
उसके बाद नंबर 20 में है श्रद्धा बलं भावेति, श्रद्धा ये इंद्रिय भी है और श्रद्धा बल भी है, एक बहुत शक्ति है श्रद्धा में, एक मन की मन का भाव है श्रद्धा, तो उसको बढ़ाते रहो, श्रद्धा से वंचित ना रहो। बहुत सारे लोग श्रद्धा से दूर रह जाते हैं, सद्धम्म के प्रति श्रद्धा नहीं, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, कुछ सीखने के प्रति श्रद्धा नहीं, तो ये दरिद्रता है श्रद्धा के संबंध में। तो श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, श्रद्धा एक बल है, उसका विकास करना चाहिए। फिर नंबर 21 वीर्य बलं भावेति, वीर यानी वही दृढ़ता वीर्यता, उसका भी अभ्यास करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। नंबर 22 सती बलं भावेति, सती यानी यही जागृत भाव, उभयक शक्ति है मन की, उसका भी हमेशा डेवलप करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। फिर समाधि बलं भावेति, समाधि यानी चित्त की एकाग्रता, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए, संयमित रखने के लिए एकाग्र करना बहुत जरूरी होता है, तो उसका भी अभ्यास करना चाहिए। फिर नंबर 24 में बताया पंया बलं भावेति, प्रज्ञा, ये भी एक बल है, बड़ी शक्ति है ये, चित्त की मन की शक्ति है, माइंड की शक्ति है वो, तो उसको भी बढ़ाते रहना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध ने चार ध्यान की बात कही, पठम ध्यानं सहगतं विहरति, पहला ध्यान का अभ्यास किया करो, मैं इस पर बताऊंगा ये ध्यान कैसे होते हैं। फिर नंबर 25 और द्वितीय ध्यान का अभ्यास करो, दूसरे ध्यान को भी बढ़ाते चलो। फिर तृतीय ध्यान का अभ्यास करो, तीसरे प्रकार का ध्यान, और बाद में चतुर्थ ध्यान का अभ्यास करो, चौथे प्रकार का जो ध्यान होता है, ये भी तथा बुद्ध ने सिखाया, ऐसे 27 पॉइंट। उसके बाद मैत्री भावना, ये मैत्री भावना हमेशा बढ़ाते रहनी चाहिए, मैत्री भावना में बहुत बहुत बड़ी शक्ति होती है, मैत्री भावना हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। फिर करुणा सहगतं विहरति, करुणा भाव अपने अंदर बढ़ाकर उसको डेवलप करो, और दसों दिशाओं के प्रति, सब जीव सत्वों के प्रति, सब स्त्री पुरुषों के प्रति करुणा भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव प्रकट करो, ये तथागत बुद्ध ने सिखाया। फिर मुदिता सहगतं विहरति, मुदिता यानी जेलसी नहीं, तो दूसरों के आनंद में आनंद मानना, स्वयं आनंदी बनने का प्रयास करना, कि कोई हमारा सहकारी, कोई हमारा व्यक्ति आनंद अच्छा काम करता है, उसको कुछ मिलता है, उसका लाभ होता है, तो बहुत बार कभी कभी ईर्ष्या निर्माण करते हैं लोग, तो ऐसा ईर्ष्या नहीं, तो उसके प्रति मुदिता भाव जगाओ, आनंद जगाओ। और फिर नंबर 31 उपेक्षा, उपेक्षा सहगतं विहरति, उपेक्षा इसे भी बढ़ाना चाहिए, डिटैचमेंट, बहुत किसी बात के प्रति आसक्त ना होवे, अनासक्ति भाव को बढ़ाने का, तो ये उपेक्षा, ये भी तथागत बुद्ध ने सिखाया। फिर बहुत अच्छी बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में और भी कही है, कायागता सती के बारे में बुद्ध बताते हैं कि भिक्षुओं, आप जानते हैं यह पृथ्वी की जितनी भी नदियां हैं, नदियों में जो पानी बहता है, वो सारा पानी महासमुद्र में समा जाता है, महासमुद्र सारे सभी जहां वहां से आने वाले पानी को वो धारण करता है, वो महासागर है। इसी प्रकार भिक्षु, ये जो आपका शरीर है, ये बॉडी आपको मिली है, उपासक उपासिकाएं, ये समझिए, जो शरीर हमें मिलता है, जो बॉडी हमें मिलती है, ये बॉडी में इतनी बड़ी शक्ति है, इसके बारे में तथागत बुद्ध ने बताया कि ये
मनुष्य शरीर में बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है। तो ये बॉडी के प्रति यदि हम सजग रहे, अपने ही बॉडी को, अपने ही शरीर को यदि हम जानने लगे, उसके प्रति कायानुसति भावना जो तथागत बुद्ध ने सिखाया, तो वो कायानुसति, ये शरीर के प्रति जागृत भाव जब हम बढ़ाते हैं तो उससे महान महान लाभ होता है, महान लाभ होता है। और बड़ी शक्ति है हमारे शरीर में, और कैसी शक्ति है, क्या क्या शरीर से हम पॉजिटिव एनर्जी कैसी कैसी निर्माण कर सकते हैं, क्या क्या लाभ ले सकते हैं, ये तथागत बुद्ध ने एक एक करके जो सिखाया है। बहुत बड़ा लंबा सूत्र है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। कायागता स्थिति जो व्यक्ति करता है उसका हमेशा महान महान कल्याण होता है। कायागता स्थिति बहुत लाभ कराती है, नंबर दो बहुत कल्याण कराती है, नंबर दो बहुत लाभ कराती है। कायागता स्थिति हर प्रकार का लाभ होता है। फिर नंबर तीन, कायागता स्थिति की भावना करने से ये बंधन कट जाते हैं, जो निवरण होते हैं वो निवरण काटे जा सकते हैं कायागता स्थिति के भावना से ही। उसी प्रकार कायागता स्थिति में सती संप्रजन्यता बढ़ानी चाहिए। काया काया के साथ हम सती संप्रजन्यता का अभ्यास कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर कायागता स्थिति के ही माध्यम से हम ज्ञान का साक्षात्कार कर सकते हैं, इसी कायागता स्थिति के माध्यम से। फिर नंबर छह, दिट्ठ धम्म सुख विहारी विहरति, जो व्यक्ति कायागति का अभ्यास करता है वो दिट्ठ धम्म यानी फेस टू फेस वर्तमान में सुख शांति को पाने वाला होता है, और वर्तमान में सुख शांति दिलाने के लिए सहायक होती है कायागता स्थिति। फिर नंबर सात, विजा और विमुक्ति ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। विजा विमुक्ति बिना कायागता स्थिति से नहीं मिलती, तो विजा और विमुक्ति को पाने के लिए कायागता स्थिति से ही उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। और जो कुछ फल मिलते हैं हमें धम्म के, वो सारे फल इस कायागता स्थिति के माध्यम से इस काया में ही मिलते हैं, इस शरीर में ही मिलते हैं, वो नंबर आठ। फिर नंबर नौ, कायागता का अभ्यास करने से शरीर बड़ा प्रसन्न और हल्का फुल्का होता है। इसी प्रकार नंबर दस, कायागता स्मृति का सती का अभ्यास करने से मन भी हमेशा बड़ा प्रसन्न और बड़ा हल्का फुल्का होने लगता है इसके अभ्यास से। नंबर ग्यारह, वितक विचारों का उपशमन होने लगता है। जो वितक विचार आते हैं उसका उपशमन होने लगता है कायागता सती से। वितक क्या है? वितक का मतलब शंका, डाउट। कभी कभी गुरु के प्रति डाउट निर्माण होता है, उसे कहते हैं वितर्क। कभी कभी सद्धम्म के प्रति डाउट, उसे कहते हैं वितर्क। कभी कभी अपने ही प्रति डाउट, अपने ही प्रति शंका है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो इस प्रकार का जो वितर्क यानी संदेह, कभी कभी बिना काम का भी संदेह, बिना वजह का संदेह हम निर्माण करते रहते हैं, उसे कहते हैं वितक। तो ये वितक से भी निकलना चाहिए अभ्यास करने के लिए, सारे संदेह को छोड़ देना चाहिए। काया में यदि हमें काया का भावना करके अभ्यास करना है तो समझना चाहिए कि काया में ही हम इस फल को पाएंगे, और इसीलिए उस वितक विचारों का उपशमन होता है कायागता स्थिति के अभ्यास से ही, इसके बाहर से नहीं हो सकता है। फिर नंबर बारह, विजा और ज्ञान की प्राप्ति होती है कायागता स्थिति के अभ्यास से। ज्ञान मिलता है, विजा मिलती है, पूरी तरह से अनुभूति होने लगती है कायागता स्थिति के अभ्यास से। नंबर तेरह,
ध्यानांगों की भावना परिपूर्ण होती है। जो चार ध्यान तथागत बुद्ध ने सिखाए, तो वो चार ध्यान पहला दूसरा तीसरा चौथा ये कायागता सती से ही संबंधित है। तो कायागता सती के अभ्यास से वो पूरे होते हैं। नंबर 14 विमुक्ति का साक्षात्कार होता है कायागता सती के अभ्यास से। फिर नंबर 15 कायागता सती का अभ्यास करने से जो अनुत्पन्न अकुशल धर्म होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि हम सजग रहने के कारण वो उत्पन्न नहीं होते। और नंबर 16 जो कुशल धम्म यानी कुशल वृत्ति यदि चित्त में नहीं हो तो कायागता सती के अभ्यास से वो कुशल वृत्ति कुशल धर्म वो निर्माण होने लगते हैं और वो बढ़ने लगते हैं, निर्माण होकर वो बढ़ने भी लगते हैं। इसी प्रकार नंबर 17 जो अनुत्पन्न कुशल धर्म है, अनुत्पन्न जो उत्पन्न नहीं हुई हमें कुछ कुशल वृत्तियां कुशल विचार, तो काया गति का अभ्यास करने से वो कुशल विचार कुशल वृत्तियां उत्पन्न होने लगती है, उत्पन्न होते रहती है। फिर नंबर 18 इससे उत्पन्न हुए कुशल धर्म, जो हमारे शरीर में कोई हमारे मन में कोई कुशल वृत्तियां अच्छी वृत्तियां अच्छे विचार उत्पन्न हुए हैं, तो काया गति का सती का अभ्यास करने से वो बढ़ते रहते हैं, उनकी वृद्धि होते रहती है अभ्यास करने से। फिर नंबर 19 काया गता सती के अभ्यास से अविद्या नष्ट होती है, काया के प्रति जो अंधकार होता है अज्ञान होता है वो अज्ञान नष्ट होता है, और ये भी एक लाभ है। नंबर 20 विद्या विद्या यानी ज्ञान उत्पन्न होता है, जो नहीं है वो उत्पन्न होने लगता है, ये कायागता सती के अभ्यास के कारण ही होता है। फिर नंबर 21 जो चित्त के संयोजन होते हैं, पांच प्रकार के संयोजन, वो संयोजन भी इससे नष्ट होने लगते हैं, वो निकलने लगते हैं। फिर नंबर 22 संयोजन के मुक्त होने से, यदि हम इस बंधनों से मुक्त हो गए हमारा चित्त, तो हमें सुख शांति का अनुभव भीतर ही भीतर होने लगता है, ये काया गति का अभ्यास करने से ही ऐसा होने लगता है। काया की काया भावना का अभ्यास करने से निब्बान का अनुभव होने लगता है, निब्बान का साक्षात्कार होता है। फिर कायागता सती के अभ्यास से ही श्रोतापत्ति मार्ग पर व्यक्ति चल सकता है। तो ये 24वां 25वां श्रोतापत्ति फल की प्राप्ति होती है, कायागता सती के अभ्यास से ही प्राप्ति होती है श्रोतापत्ति फल की। फिर 26 सक्रोदागामी मार्ग की प्राप्ति, सक्रोदागामी मार्ग की प्राप्ति होती, उस मार्ग पर हम कायागता सती के आधार से ही चल सकते हैं। तो 26 हो गया। फिर 27 सक्रोदागामी फल की प्राप्ति होती है कायागता सती के अभ्यास से ही। यदि हम अभ्यास ना करें तो सक्रोदागामी फल कभी मिलेगा नहीं। फिर नंबर 28 कायागता सती के अभ्यास से ही अनागामी मार्ग की प्राप्ति होती है, अनागामी मार्ग पर हम चल सकते हैं काया के अभ्यास से। इस कायागता सती के अभ्यास से ही नंबर 29 अनागामी फल की प्राप्ति होती है, ये काया गति के अभ्यास से।
फिर नंबर 30, कायागता स्थिति के अभ्यास से ही अरहत्व मार्ग पर व्यक्ति चल सकता है, बिना काया से नहीं चल सकता है। तो बड़ा महत्व है काया का। उसी प्रकार नंबर 31, कायागता स्थिति के अभ्यास से ही वो अरहत्व के फल को पाता है। कायागता स्थिति के अभ्यास से वो काया में ही पाता है, इसलिए इस काया का बड़ा महत्व है। फिर बुद्ध और आगे बताते हैं, एक एक करके बताते जाते हैं। नंबर 32, पय्या पटी लाभाय संवत्ति, प्रज्ञा का लाभ होने लगता है। नंबर 33, प्रज्ञा की वृद्धि होती है, प्रज्ञा बढ़ती रहती है, विकसित होते रहती है यदि हमेशा हम काया गति का अभ्यास करें। फिर प्रज्ञा विस्तार से बढ़ने लगती है, कई प्रकार की प्रज्ञा जागने लगती है, वो कायागता स्थिति के अभ्यास से ही। फिर नंबर 35, महाप्रज्ञा संवत्तति, यानी महान प्रज्ञा को भी हम प्राप्त कर सकते हैं इस अभ्यास से। फिर नंबर 36, पुथु पय्याय संवत्तति, अनेक प्रकार की प्रज्ञा जागने लगती है। विपुल पय्याय संवत्तति 37, 38, गंभीर पय्या की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा के बहुत अंग है तो गंभीर पय्या की भी प्राप्ति होती है। नंबर 39, असामंत पय्या संभवंती, असामंत प्रज्ञा जो है वो भी इससे मिलती है। नंबर 40, भूरी पय्या वो भी इससे प्राप्त होती है। नंबर 41, पय्या बाहुल्य, अनेक प्रकार की प्रज्ञा को भूरी पय्या के साथ पाया जाता है। नंबर 42, सीघ पय्या, यानी तुरंत प्रज्ञा जागृत होने के अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 43, लहु पय्या, वो भी जागृत होती है। नंबर 44, हास पय्या, वो भी काया गति के अभ्यास से जागृत होती है। नंबर 45, जवन पय्या, वो भी जागृत होती है। नंबर 46, तिक्ख पय्या, वो भी जागृत होती है काया गति के अभ्यास से। नंबर 47, निभेधिक प्रज्ञा, यानी वो भी काया गति के अभ्यास से ही जागती है। 48, प्रज्ञा की वृद्धि होने लगती है। फिर 49, पय्या विपुल्लाय संवत्तति, 50, महापय्याय संवत्तति, महाप्रज्ञा की का साक्षात्कार होता है कायागता स्थिति से। असामंत पय्याय संवत्तति, उसका भी साक्षात्कार होता है। जवन पय्याय संवत्तति और निब्बानं सच्ची क्रियाय संभवन्ति, निब्बान का साक्षात्कार ये भी कायागता स्थिति से होने लगता है। तो इसी प्रकार ये कायागता स्थिति से 53 प्रकार के लाभ इस काया का अभ्यास करने से कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति पा सकता है। कितना बड़ा महत्व है हमारे इस मानव शरीर का, यदि हम ठीक ढंग से ठीक रास्ते पर चलने लगे, धम्म को जानने लगे, धम्म का अभ्यास करने लगे, तो इतनी ऊंचाइयां इस शरीर के माध्यम से, कायागता स्मृति से और मन के अभ्यास से ये हासिल की जा सकती है, ऐसा तथागत बुद्ध सिखाते हैं। और उसके बाद फिर मेत्ता भावना, जो चार प्रकार की मैत्री, वो भी कायागता स्थिति से ही संभव है। जैसे मेत्ता सहगतेन विहरति, करुणा सहगतेन विहरति, और मुदिता सहगतेन विहरति, उपेक्षा सहगतेन विहरति। इस प्रकार मित्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार ब्रह्म विहारों की प्राप्ति कायागता सती से संभव होती है। यदि काया ना हो, शरीर ना हो, तो ये संभव असंभव है। इसीलिए कायागता सती का बड़ा
अनंत अनंत लाभ मिलता है। फिर तथागत बुद्ध और भी कहते हैं कि इससे डेथलेस अवस्था यानी अमतंग मृत्यु के परे की अवस्था का भी साक्षात्कार कायागति के कायागता सति के माध्यम से ही किया जाता है। तो उसके बारे में भी तथागत बुद्ध ने ये एक छोटा सूत्र बताया अमतवग्गु करके। तो ये सारा कायागता सति पर अवलंबित है और उसका भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कायागता सति बहुत ही महत्व की है। अमतंग ते संग भिक्खवे अभिज्ञातंग ये संग कायागता सति अभिज्ञाता अमतंग ते संग भिक्खवे बहुलीकतंग ये संग कायागता सति बहुलीकता अमतंग ते संग भिक्खवे परीया ये तंग ये संग कायागता सति परीयायता अमतंग ते संग भिक्खवे सच्ची कतंग ये तंग कायागता सति सच्ची कता यानी डेथलेस अवस्था का साक्षात्कार भी कायागता सति के माध्यम से किया जा सकता है। उसको बड़ा डिटेल से तथागत बुद्ध ने इस अंगुत्तर निकाय के ग्रंथ में समझा के बताया है। आप भी कभी ये पढ़िए ओरिजिनल ग्रंथ जहां पर तथागत बुद्ध की वाणी संग्रहित है। कितनी शक्ति है सद्धम्म में, पॉजिटिव एनर्जी कितनी हम निर्माण कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकते हैं। आप सभी को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, आपका जीवन मंगलमय और धन्य बने, सुखी बने। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरू।